बलरामपुर जिले के सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग बरहवा रेंज में आदमखोर तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बृहस्पतिवार की शाम बेलवा गांव में बच्चों के साथ घर के सामने अलाव ताप रहे विकास चौहान 10 वर्ष पुत्र जगदम्बा चौहान को तेंदुए ने जबड़ों में दबोच कर उठा ले गया। बच्चों ने हादसे को देखकर गुहार लगाना शुरुआत की। ग्रामीणों ने तेंदुए का बाइक ट्रैक्टर से पीछा किया। घर के पूरब करीब 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में तेंदुए से बच्चे को छुड़ाते तब तक बच्चे का गला काट दिया, जिससे मौत हो गई। इस हादसे को लेकर क्षेत्र के करीब आधा दर्जन लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों की भारी भीड़ देखकर स्थानीय पुलिस वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। लगातार 15 दिनों में तीसरी बार मौत से लोगों में भारी आक्रोश है। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नीरज मोहन नाम है। अच्छा, ये जो रात में हमला हुआ है जी, किस जानवर ने किया है? ये तेंदुआ है। तेंदुआ है। हाँ जी। कितने वर्ष का मासूम बच्चा था? ये 10 वर्ष का है। 10 वर्ष का है। कितने बजे रात की घटना हुई? ये लगभग शाम 6 बजे। बच्चे के आप कौन लगते हैं? हम उनके चाचा हैं। तो जब हमला हुआ तो वन विभाग की टीम यहाँ आई थी? जी आई थी, साथ में थी। तो फिर क्या हुआ, वन विभाग की टीम आई उसके बाद में? उसके बाद में आए, हम लोग खोजबीन करने लगे और खोजबीन करने के बाद जो पता चला कि यही झाड़ी में है, तो वो वहाँ से बच्चे को छोड़ करके खा रहा था, वो यानी उसको खा रहा था। जब वो हल्ला हुआ तो वहाँ से वो शेर भागने लगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।